नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स लाइव में। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेशन कैसा रहेगा, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज भी मैंने यहाँ पर वन लाइनर रखा है। नेक्स्ट मंडे से जो बच्चों का कहना था कि सर एमसीक्यूज ही रखिए, वन लाइनर मत रखिए, वन लाइनर की वजह से हमें बड़ी चीजें समझने में दिक्कत होती है, उसमें ऑप्शन होता है तो उससे आसान रहता है। तो मेरे दोस्त मंडे से वही सारी चीजें चलेंगी, टिल सैटरडे वेट करिए। सैटरडे तक हम यही इसी पैटर्न पर करेंगे। मंडे से आपका एमसीक्यूज एंड जो स्टैटिक पोर्शन है जो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, मैं उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज की डेट है 12 जुलाई और सुबह वक्त रहेगा 10 बजे का। बहुत शानदार आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। सरप्राइज नहीं कहूंगा, डेफिनेटली कुछ है यार दोस्त, कुछ तो ऐसा है जिसमें आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। और स्पीड टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे स्पीड टेस्ट होगा 2 साल का 1 साल का इन और सारी चीजें, सेल है क्या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं हूं तो समझ रहे होंगे कुछ होगा डेफिनेटली। तो भाई प्लीज जरूर जुड़िएगा इसमें 10 बजे और बहुत कुछ आपके लिए होने वाला है। स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। ये वन लाइनर को देखेंगे, टेक्निकली मिसक्लू जूम रखिए। सवाल यहां पर कुछ इस तरीके से रहेंगे कि आपको ये ब्लैंक मिलेगा और इस ब्लैंक को आपको फिल करना होगा। दूती चंद हैज वॉन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर क्लैश इवेंट एट दी वर्ल्ड यूनिवर्सियड एट नापोली इन विच कंट्री। मतलब यहां पर सवाल पूछा है, आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। दूती चंद ने नापोली में वर्ल्ड यूनिवर्सियड में 100 मीटर के डैश इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। सवाल यह है कि यह इवेंट कहां पर हुआ था। आंसर बनता है सर यह इवेंट इटली में हुआ था। सर इटली की कैपिटल क्या है, सर रोम है और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट ओपन अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना हैव क्रॉस दी डैश लाख करोड़। कितने लाख करोड़ यहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुल चुके हैं, मतलब कि डिपॉजिट हो चुका है। मतलब यहां पर बोला गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट है उसमें जो जमा राशि है वो कितने लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो आंसर बनता है 1 लाख करोड़ से। एग्जैक्ट फिगर की बात करें 3 जुलाई तक, तो भाई ये एग्जैक्ट फिगर बनती है 100495.95 करोड़। इस अमाउंट को आपको याद रखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट कितना मिलता है, तो मेरे भाई 10,000 ओवरड्राफ्ट है। पहले 5,000 होता था, इस लिमिट को 10,000 कर दिया गया है। और 28 अगस्त 2018 के बाद से जितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख ना होते हुए वो अब 2 लाख यहां पर किया गया। ठीक है, अब ये सरकार ने ओपन एंडेड स्कीम रखी है। शुरू में पायलट बेसिस थी बट ये ओपन एंडेड स्कीम अब हो गई है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बड़े ध्यान से सुनेगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आंसर बनता है इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 11th जुलाई। ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये गाइस क्लियर होना चाहिए। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, UNDP जिसको हम बोलते हैं, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो गवर्निंग काउंसिल है, उन्होंने 1989 से इसको शुरू किया था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर सवाल पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है, वहां पर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए दिल्ली की एक लड़की को चुना गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है। देखिए छोटे छोटे सवाल है बट एग्जाम का पार्ट बनते हैं। इस वाले पैटर्न में कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन जब होते हैं तो तुक्का मार के भी काम चल जाता है, बट यहां पर तो वही सक्सेसफुल है जिसने कल का सेशन देखा होगा या जिसने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर बनता है ईशाकंत, इनका नाम है ईशाकंत। ये क्या करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे कहां पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वैसे ये लॉ की तैयारी कर रही है। इंडिया की जो फर्स्ट काउ सेंचुरी है जिसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ये कहां पर खोला गया है, जिसको भी सरकार ने कहा है कि इसे प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसका निजीकरण किया जाएगा। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य जिसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, इसको सरकार द्वारा निजीकरण किया जाएगा। कहां पर है ये है कहां पर, तो सर ये आगरमालवा में है, आगरमालवा, इस बात को याद रखना। कहां पर ये, आगरमालवा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने कहा है, या किस स्टेट की गवर्नमेंट है जो कि फर्स्ट एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर को कुट्टूर में सेटअप करने जा रही है। फर्स्ट एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कुट्टूर में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा, तो आंसर बनता है केरल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, केरल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह किया जाएगा। किस स्टेट के द्वारा, केरल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इस बात को मेरे भाई याद रखिएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है, ये
एक अभी रैंकिंग आई है, या यूं कहें एक तरीके से कि एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट रही थी CBRE के द्वारा, जो कि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसने कहा है कि दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है वो इस नंबर का मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस लोकेशन है, इस नंबर का। वैसे ओवरऑल बात करते हैं तो टॉप किया है हांगकांग के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, जो हांगकांग का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है, वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है। और जो दिल्ली का कनॉट प्लेस आता है, इसकी जो रैंक रखी है ये 9th प्लेस पे है, याद रखना। संपत्ति सलाहकार सीबीआरई के अनुसार नई दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया का 9वां सबसे महंगा कार्यालय स्थान है। नेक्स्ट, तेजस एक्सप्रेस विल बी फर्स्ट ट्रेन टू बी रन बाई प्राइवेट ऑपरेटर। कौन सी तेजस एक्सप्रेस दिल्ली आगरा, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली मथुरा, कौन सी मेरे भाई? तो दिल्ली लखनऊ जो तेजस एक्सप्रेस है, इट विल बी फर्स्ट ट्रेन टू बी रन बाई प्राइवेट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लिखा है, लिंक्डइन ने किसको इंडिया के लिए अपना मैनेजर नियुक्त किया, कंट्री मैनेजर, इंडिया के लिए अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, आशुतोष गुप्ता को। लिंक्डइन हैज नेम्ड आशुतोष गुप्ता एज कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट यहां पर लिखा है कि किस पुलिस ने अभी हाल ही में एक ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 333 चिल्ड्रन को, 2019 के ये मिसिंग चिल्ड्रन थे, 333 चिल्ड्रन को अपनी फैमिली से मिलाया। तो मेरे भाई आंसर यहां पर बनता है दिल्ली। इस वाले पैटर्न में मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो मेरे से बहुत सारे बच्चे नाराज भी होंगे, बट दोस्त परेशान मत होइए, ये मंडे तक की बात है, मंडे से मैं बिल्कुल आपके साथ सेशन कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इसी तरीके से जैसे पहले MCQs फॉर्म में होता था वो वाला। अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की इंपॉर्टेंट न्यूज, और फर्स्ट न्यूज है यहां पर, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम वॉज हेल्ड इन लंदन। मीडिया फ्रीडम पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन या वैश्विक सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। सिंपल शब्दों में, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया फ्रीडम कहां पर रही, तो ये लंदन में रही थी। लंदन क्या है? लंदन सर यूके की कैपिटल है, यूके की कैपिटल लंदन है, और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अब यहां पर इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया था, स्क्रीन को जूम रखना। द कॉन्फ्रेंस द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस तरीके की अपनी पहली कॉन्फ्रेंस है, वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाई द प्रसार भारती चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश। तो मतलब इंडिया की तरफ से देखें तो ए सूर्य प्रकाश, जो कि प्रसार भारती के चेयरमैन है, उन्होंने अटेंड किया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वप्नदास गुप्ता एंड कंचन गुप्ता मेंबर जो प्रेस काउंसिल की हैं, तो इंडियन डेलीगेशन को इनके द्वारा लीड किया गया था। अपने काम की चीज बनती है। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम कहां पर रही, तो ये लंदन में रही थी। अच्छा, यूके वो कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है जिसने अभी हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया, और इसके बाद डिक्लेयर करने वाले देश का नाम है आयरलैंड। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट, प्रसार भारती ने अभी एक IIT खड़गपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है स्पेशली फॉर रिसर्च। यहां पर मैं आपको फील्ड भी मेंशन कर रहा हूं, कौन कौन से फील्ड में ये रिसर्च की जाएगी, बट सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा कि रिसर्च के लिए प्रसार भारती ने किस इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया। आंसर बनता IIT खड़गपुर के साथ, IIT कानपुर के साथ ये समझौता किया गया। टेक्निकली स्क्रीन पर जूम रखिए, प्रसार भारती साइंड एन MOU विद IIT कानपुर। प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। किन किन फील्ड में? इन वेरियस एरियाज लाइक डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। फर्स्ट है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जेंस विद 5G। थर्ड बात की रूरल ब्रॉडबैंड। भाई देखिए, रूरल ब्रॉडबैंड की भी बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। प्रसार भारती ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, 5G के साथ कन्वर्जेंस, ग्रामीण ब्रॉडबैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है, उनके लिए भी यहां पर यह समझौता किया गया है। सवाल इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, सवाल इस यहां पर आएगा कि रिसर्च कोलैबोरेशन प्रसार भारती ने किस इंस्टीट्यूट के साथ किया, तो आंसर बनता IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट, RPF लॉन्च ऑपरेशन थर्स्ट एंड स्क्रीन को जूम रखे, एंड ऑल इंडिया ड्राइव टू क्रैक डाउन सेलिंग ऑफ अनऑथोराइज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। अनाधिकृत पानी की बोतलों की विक्री पर रोक के लिए RPF द्वारा देश भर में ऑपरेशन थर्स्ट अभियान शुरू किया गया है। अब होता क्या है कि आप देखते ही होंगे कि बिना किसी ब्रांड की बोतलों को सेल किया जाता है, अनऑथोराइज्ड जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उनको सेल किया जा रहा है। तो इसी को यहां पर कह सकते हैं कि क्रैकडाउन करने के लिए, रोकने के लिए,
इस पर रोक लगाने के लिए जो आरपीएफ है, आरपीएफ ने ऑपरेशन थर्स्ट चालू किया है। अब इस तरीके से सवाल बनेंगे ऑपरेशन थर्स्ट किससे रिलेटेड है, इस तरीके से आप याद रखेगा, ऑपरेशन मिलाप किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन बंदर किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें मेरे भाई आपको पता होनी चाहिए। अब जितने मैंने बताए वो सारे तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। प्रशासन और गतिशीलता पर पांचवें भारत यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अच्छा चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि वेन्यू और इसका एडिशन याद रखना, बट मेरे दोस्त एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, हु इज अ हेड ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के हेड कौन है, कोई मुझे बता पाएगा यूरोपियन यूनियन के हेड कौन है, या इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, मेरे को इसका आंसर चाहिए फटाफट से। यूरोपियन यूनियन के हेड कौन है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, चलिए हेडक्वार्टर बता दीजिए, हेड छोड़ दिए, हेड की दिक्कत नहीं, हेडक्वार्टर ही बता दीजिए, उतना ही बहुत रहेगा। अच्छा कुछ आपको अपॉइंटमेंट पता है सर, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट, मैंने पांच आपको मेजर अपॉइंटमेंट बताई थी कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर एक नॉमिनेशन रहा है डेविड मारिया सासोली। यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के तौर पर किनका नॉमिनेशन रहा है, किनको नॉमिनेट किया गया है, जो इटालियन फॉर्मर जर्नलिस्ट है डेविड मारिया सासोली को। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक जर्मनी की है उर्सुला, उर्सुला वॉन्डर लाइन, उर्सुला वॉन्डर लाइन, इनको यूरोपियन कमीशन का चीफ बनाया गया, यूरोपियन कमीशन का चीफ नॉमिनेट किया गया, एक एक इंपॉर्टेंट बनता है। आईएमएफ की चीफ है क्रिस्टियन लेगार्डे, इनको यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड नियुक्त किया गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड नियुक्त किया गया है। और जो यूरोपियन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स मिशेल, चार्ल्स मिशेल, इनका नाम याद रखना है आपको। और एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पांच जो की अपॉइंटमेंट रहे थे उसमें से एक है कि फॉरेन पॉलिसी चीफ कौन बनाया गया है, तो जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर है जोसेफ, जोसेफ बोरेल, यहां पर उनको बनाया गया था। ये सारी चीजें याद रखना। और बेल्जियम के ब्रुसेल में, बेल्जियम के ब्रुसेल में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। पांचों अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट बनते तो इनको रट लेना, ठीक है, टिप्स पे। नेक्स्ट, फॉर्मर बंगाल एंड रेलवे लेग स्पिनर सौमेंद्र नाथ कुंडू हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 77। पूर्व बंगाल और रेलवे के लेग स्पिनर सौमेंद्र नाथ कुंडू का हाल ही में निधन हो गया और वह 77 वर्ष के थे। फिर दोबारा सुनिएगा, सवाल कुछ इस तरीके से आएगा, सौमेंद्र नाथ कुंडू हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज वॉट, तो ही वॉज दी क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर थे और वह फॉर्मर बंगाल और रेलवे के लेग स्पिनर थे। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इस बात को याद रख सकते हैं, बट एग्जाम में सिर्फ इनका नाम आएगा, इसका स्पोर्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड श्रीलंका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड श्रीलंका एज द मीजल फ्री नेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। अब सवाल कुछ इस तरीके से आएगा, किस देश को अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मीजल फ्री नेशन डिक्लेयर किया गया, तो आंसर बनता है श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे, और यहां करेंसी रुपी चलती है। भारत की श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7th of April 1948, इट वॉज एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इट इज एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम, टेड्रोस, वैसे इनका पूरा नाम बोला टेड्रोस गैब्रियुसिस अदानोम, बट जनरली आपको लिखा मिलेगा तो टेड्रोस अदानोम लिखा मिलेगा, ठीक है, इनका नाम याद रखना, एक हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई। नेक्स्ट, भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स बीसीसी एंड ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स बीसीसी एंड ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो न्यू दिल्ली बेस्ड, साइंड एन एमओयू फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कहने का लॉजिक यह है कि जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है उसके बीच में यहां पर कहा गया है कि
ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक एमओयू किया गया है। और ये एमओयू किस किस के बीच में रहा है? भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में रहा है और ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली ने ये समझौता किया है। सिंपल शब्दों में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे भाई, पंजाब एंड सिंध बैंक हैज सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड हब फॉर प्रोसेसिंग रिटेल एंड एमएसएमई लोन। पंजाब एंड सिंध बैंक ने खुदरा और एमएसएमई ऋण के प्रसंस्करण के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र स्थापित किया है। अच्छा, सवाल किस तरीके से बनने जा रहा है? यहां पर सवाल बनेगा कि किस बैंक के द्वारा भी हाल ही में CEN मार्ग लॉन्च किया गया, जो लिखा हुआ है ना आपका ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा। इसका टाइटल क्या रहा जो ये लॉन्च किया गया है? एक प्रोसेसिंग सेंटर जिसका नाम है CEN मार्ग, सेंट्रलाइज्ड एमएसएमई एंड रिटेल ग्रुप। सवाल कुछ इस तरीके से आएगा कि सेंट्रलाइज्ड एमएसएमई एंड रिटेल ग्रुप, जो सैनमार्ग जिसको इन शॉर्ट हम जानते हैं, जो कि एक प्रोसेसिंग रिटेल एंड एक बेसिकली सेंट्रलाइज्ड हब रहेगा रिटेल और एमएसएमई लोन के प्रोसेसिंग के लिए, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सिंपल सा सवाल, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई दिल्ली में। एक लाइन में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हेडक्वार्टर बैंक के पूछे जाते हैं तो वो आपको याद रखनी है। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और सेंट्रलाइज एमएससीएम एंड रिटेल ग्रुप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा मेरे भाई लॉन्च किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो अपना स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था, एम से चल रहा है अल्फाबेटिकली, सारे स्टेट को हम देख रहे हैं। फर्स्ट में 1960 महाराष्ट्र डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुंबई कैपिटल है एंड देवेंद्र फडणवीस इज अ चीफ मिनिस्टर। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस आपको पता है अभी एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कमिटी सेटअप की गई, टास्क फोर्स बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा और उसके जो हेड है उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। चीफ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस उसे हेड कर रहे हैं। सी विद्यासागर राव गवर्नर है, ऑफिशियल लैंग्वेज इज मराठी। कुल मिलाकर 36 डिस्ट्रिक्ट है। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया का ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, तो फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। अगर ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बड़े राज्यों की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। फेमस डांस फॉर्म लावनी है और बॉर्डर स्टेट में कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये अभी मैप से देख लेंगे। ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी और है इसमें, दादर नागर हवेली। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें 288 है और विधान परिषद की 78 है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है ये बाई कैमरल है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। असेंबली की सीट 288 है और काउंसिल की सीट मेरे भाई 78 है। कोयना तंसा मलवान, ओके वो तो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोयना डैम, ये देखिए डैम, कोयना डैम, भस्सा डैम, गिरना डैम, राधा नगरी डैम। अब एक को याद रखना है, पहले तो डैम कौन कौन से हैं, कोयना, भस्सा, गिरना, राधा नगरी, कौन सा डैम किस रिवर पे, ये भी याद रखना है। कोयना डैम कोयना रिवर पे है, भस्सा डैम भस्सा रिवर पे, गिरना डैम गिरना रिवर पे, तो कभी भी रिवर नहीं पूछेगा यहाँ पर। तो ये वाला पूछा सकता है कि राधा नगरी डैम किस रिवर पे है, तो ये भोगावती रिवर पे बना हुआ है। याद करने के लिए याद रखना, आपको कैसे याद रखेंगे, कोयना भत्सा से टकराकर कहां गिर गई मेरे भाई, राधा नगरी में गिर गई। याद करने का बहुत पुराना चल रहा है ये, कोयना भत्सा से टकराकर कहां गिर गई, सर राधा नगरी में गिर गई। इस तरीके से याद रखना, कोयना भत्सा गिरना एंड राधा नगरी डैम। महाराष्ट्र को देख लेते हैं, ये रहा महाराष्ट्र। एक काम करते हैं, इसे क्लॉकवाइज चलते हैं, गुजरात रहा, देन फिर मध्य प्रदेश आगे, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और यहाँ पर आ गया आपका दादर नागर हवेली। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 हो गए यहाँ पर, कर्नाटक तेलंगाना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक गाइज, याद रखना कर्नाटक तेलंगाना गोवा गुजरात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली, इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट, चंदौली गुगामल नवेगांव तड़ोवा, चंदौली गुगामल नवेगांव तड़ोवा ये नेशनल पार्क रहे एंड कोयना तंसा मलवान फंसाद एंड गोदावरी, कोयना तंसा मलवान फंसाद गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही। तारापुर एटमिक पावर स्टेशन, जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोनों ही फेमस हैं, दोनों ही महाराष्ट्र में हैं और ये एग्जाम में आ भी चुका है। लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है, ये तो अभी हमने देख लिया था। लोकसभा की सीट असेंबली और वो काउंसिल की देखी थी, लोकसभा की 48 है, राज्यसभा की 19 है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम प्रदीप नंदराजोग है। तो गाइस ये रहा आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। आज मैंने 8 ही न्यूज इंक्लूड करी है, मैं कह रहा हूँ आपको मंडे से सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसे एज इट इज चल रही थी। एमसीक्यूज रहेंगे, न्यूज़ भी आपकी प्रॉपर रहेंगी, प्रॉपर न्यूज़ तो आज प्रॉपर ही है। एग्जाम ओरिएंटेड जितनी है वो सारी मैंने ऐड करी, बट इसके अलावा फिर भी जो आपकी एक रहती है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैक्सिमम न्यूज़ ना हो, तो मैक्सिमम न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, जितनी भी स्किप्ड हुई है वो भी सब रहेंगी। तो मंडे से एज इट इज जैसे सारी चीज़ें चलती हैं गाइस वैसे ही चलेंगी। सैटरडे तक वेट करिए, सैटरडे के बाद सारी चीज़ें वैसी की वैसी लाइनअप हो जाएंगी। सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।